पक्ष के आप नेता हैं और जय जितने भी नए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये उम्मीद करते हैं कि आप मुद्दों पर बात करेंगे, देश हित पर बात करेंगे, ये जाति धर्म पर बात नहीं करेंगे। और मैं इस बात को कहता हूँ कि राजनीतिक रूप से ज़रूर आपके अनुभव बहुत हैं, लेकिन यदि आप स्पिरिचुअली बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हिंदू शब्द का मतलब क्या है, राम शब्द का मतलब क्या है, जब मौका मिलेगा तो हम लोग ज़रूर रामचरितमानस के माध्यम से उनको समझाने का काम। हमारे साथ हैं एलजीपी के सांसद राजेश शर्मा जी। राजेश जी, आप फर्स्ट टाइम एमपी हैं और आज पहली बार एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग की सिटिंग भी थी, प्रधानमंत्री का अभिभाषण आपने सुना, क्या कहा है? प्रधानमंत्री जी ने जिस खूबसूरती से, विशेष रूप से जो फर्स्ट टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको ना केवल मार्गदर्शन दिया, उन्होंने ना केवल ये बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त पार्लियामेंट के अंदर बिताए, साथ ही साथ उन्होंने हम लोगों को सचेत रहने की भी बात कही कि फर्स्ट टाइम में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस बात को लेकर सचेत रहें कि ये दिल्ली है और दिल्ली में कई ऐसे लोग घूमते हैं जो आपकी पूरी डिटेल पहले से निकाल कर रखते हैं और वो आपको ये एहसास कराते हैं कि वो सारी चीज़ें आपसे जानते और आपसे जुड़े हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पहले भी ऐसी दुखद घटना हुई है कि कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की छवि ना केवल ख़राब हुई है बल्कि उनका पॉलिटिकल करियर पर भी एक दाग लगा है, तो उससे बचकर चलने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हाउस के अंदर दें ताकि हम लोग बहुत कुछ सीखें। और एक बहुत खूबसूरत और अच्छी बात उन्होंने कही कि ज़रूर अपने और अपने परिवार और अपने सहयोगियों के साथ आप पीएम म्यूज़ियम जो बना है उस पर ज़रूर जाने का काम करें, क्योंकि पहले के जो प्रधानमंत्री हैं जिससे लोग अवेयर नहीं हैं, और ये अवेयर इसलिए नहीं है कि जो विपक्ष के लोग आज बातें कह रहे हैं उन्होंने ही कभी गैर उनके परिवार के जो प्रधानमंत्री बने उनकी चर्चा बहुत मजबूती से नहीं की, तो उन्होंने इस बात को लेकर कहा कि आप ज़रूर वहाँ जाकर और म्यूज़ियम में इस बात को देखें, वहाँ पर सिर्फ उन प्रधानमंत्रियों की सकारात्मक चीज़ें और सकारात्मक निर्णयों को लिखा गया है, अंकित किया गया है, जिससे आपको बीते गए देश में जो भी समय बीता है उसमें उनकी क्या भूमिकाएं रही हैं वो भी उसमें। राहुल गांधी के बिहेवियर को लेकर कुछ प्रधानमंत्री ने कहा इशारों शारों में? उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन हम लोग सबको इस बात को लेकर बिल्कुल एक दुख है, क्योंकि आपको यदि तस्वीर का सहारा लेकर ये साबित करना पड़े कि हिंदू सिख ईसाई मुस्लिम सबको आप बता रहे हैं कि उसका मतलब क्या होता है, मुझे लगता है विपक्ष के आप नेता हैं और जय जितने भी नए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये उम्मीद करते हैं कि आप मुद्दों पर बात करेंगे, देश हित पर बात करेंगे, ये जाति धर्म पर बात नहीं करेंगे। और मैं इस बात को कहता हूँ कि राजनीतिक रूप से ज़रूर आपके अनुभव बहुत हैं, लेकिन यदि आप स्पिरिचुअली बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हिंदू शब्द का मतलब क्या है, राम शब्द का मतलब क्या है, जब मौका मिलेगा तो हम लोग ज़रूर रामचरितमानस के माध्यम से उनको समझाने का काम करेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।